वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैट्रिक्स मेथड, हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। उसके लिए सबसे पहले वर्किंग मेथड है क्रामर रूल, सॉरी मैट्रिक्स मेथड का, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, किस तरह से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेकिन ये जो मैट्रिक्स मेथड है, इसको सॉल्व करने से पहले यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर, एडजॉइंट एंड इनवर्स, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर फिर से रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इस तरह से इक्वेशन दी होगी। अभी यहाँ पे दो इक्वेशन हम 2x2 मैट्रिक्स वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वो लेंगे हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए, जहाँ पर तीन इक्वेशन दी होगी और वहाँ जिसमें हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो देखिए वर्किंग मेथड क्या है। सबसे पहले जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखना होता है। अब ये ए एक्स इक्वल्स टू बी कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, आपको क्या लिखना है, राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी, किसकी फॉर्म में, ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। ये पूरा लाइन आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, अब ये ए क्या है, ए होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कौन सी, जो कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई होंगे। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन एक्स का कोफिशियंट इज 2, वाई का कोफिशियंट इज -3, एक्स का कोफिशियंट 1, वाई का कोफिशियंट 2। और ये कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स होगा जो वेरिएबल जिसके आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स एंड वाई। सिमिलरली इक्वल्स टू व्हाट इज बी, बी उस तरफ 4 एंड 3, इस तरफ जो इक्वल्स है उस तरफ जो भी एलिमेंट है, जो भी नंबर दिया है उससे बनी मैट्रिक्स क्या होगी, बी। और इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 3। ओके, ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये था पहला स्टेप्स, राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू बी, जो हमने लिख लिया। एंड आफ्टर दैट सेकंड स्टेप क्या बताता है, ये सारे स्टेप आप यहां तक कर चुके हो। सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए, अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, जैसे ही डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया तो उसके बाद आप क्या करोगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है कैसे माइनर फाइंड आउट करना है, कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड करना है। जैसे इनवर्स निकलेगा तो देन फ्रॉम दिस इक्वेशन 3 x की वैल्यू निकालेंगे आप, वो आएगा b अपॉन a, है ना। देखो x की वैल्यू क्या आएगी, b अपॉन a, जो ये a नीचे इसको आप लिख सकते हैं a इनवर्स, क्योंकि a की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर ले लो a की पावर -1 हो जाएगा b, तो ये क्या बन गया, x की वैल्यू जब आप फाइंड करना है तो a इनवर्स और b की वैल्यू आपको पता चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे और उसके बाद b, b जो मैट्रिक्स होगी ये, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, b की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करो। वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद x और y की वैल्यू इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लोगे। ओके, तो लेट्स सी, शुरू करते हैं। ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखा सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 2 2s are 4 -3 1s are 3, माइनस का 3, ये क्या बन जाएगा, 4 plus 3 7, which is not equal to 0. Therefore, system of equation is consistent. System of equation is consistent and A inverse exist. ठीक है, या फिर therefore, system of equation is consistent and A inverse exist. A inverse exist करेगा. तो अगला स्टेप आपको होता है माइनर फाइंड आउट करना होता है. माइनर फाइंड आउट करो, माइनर ऑफ A. है ना, फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए क्या निकलेगा, फर्स्ट ओ फर्स्ट कॉलम को लीव करो, तो माइनर ऑफ फर्स्ट ओ फर्स्ट कॉलम निकल जाएगा 2, फिर माइनर ऑफ फर्स्ट ओ सेकंड कॉलम, फर्स्ट ओ सेकंड कॉलम लीव करो 1 आ गया, फिर माइनर ऑफ सेकंड ओ फर्स्ट कॉलम, सेकंड ओ फर्स्ट कॉलम लीव करो -3, माइनर ऑफ सेकंड ओ सेकंड कॉलम, सेकंड ओ सेकंड कॉलम लीव करो क्या यार 2, तो दिस इंप्लाइज, अच्छा इतना ही रहने दो, ये माइनर निकल गया। नेक्स्ट आप फाइंड आउट क्या करेंगे, को फैक्टर, कोफैक्टर्स ऑफ ए, ए के कोफैक्टर क्या होता है, तो ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर होगा कि कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको पता है कोफैक्टर माइनर्स ही होते हैं,
वन टू एम टू वन एम टू टू माइनस ही होते हैं, लेकिन पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, चौथा पॉजिटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आया ये आप वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, जहाँ पर बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइनर एंड कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है वो वीडियोज आप जरूर देखें, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ पुट दिस वैल्यू टू वन माइनस थ्री एंड टू, ठीक है, ये कोफैक्टर की वैल्यू हमने पुट करी। साइन कहाँ कहाँ चेंज होगा, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव, ये टू पॉजिटिव रहेगा, ये साइन चेंज हुआ, ये नेगेटिव का हो गया और ये पॉजिटिव का, ये कोफैक्टर। अगला स्टेप है, अगला स्टेप कोफैक्टर फाइंड करने के बाद आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करें, टू माइनस वन, और दूसरी रो को भी कॉलम में कन्वर्ट क्यों करो, तो ये निकल जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फिफ्थ स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। एंड आफ्टर दैट ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, बस ए इनवर्स होता है वन अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट है सेवन एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू थी टू थ्री माइनस वन एंड टू, ये निकल गया ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू वन अपॉन सेवन टू माइनस वन थ्री एंड टू। एंड नाउ नेक्स्ट स्टेप, फ्रॉम इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री, यहां पर मैंने इक्वेशन वन दिया था बट यहां पर ये इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड से आपको पता चला जो एक्स है वो किसकी इक्वल है, एक्स इज ए इनवर्स बी, तो आप ए इनवर्स और बी की वैल्यू यहां पर पुट करो, एक्स किसकी इक्वल है, एक्स वाई, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की वैल्यू पुट करो वन अपॉन सेवन टू थ्री माइनस वन टू को मल्टीप्लाई करना बी के साथ, व्हाट इज बी, बी इज फोर एंड फोर थ्री, ये वाली मैट्रिक्स है बी, इनको वापस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मैं ये स्टेप्स भी मिटा देता हूँ, यहाँ पे लगभग सभी स्टेप कंप्लीट हो गए। वन अपॉन सेवन एज इट इज, अब इसको सॉल्व करना है, ये टू बाई टू मैट्रिक्स है और ये टू बाई वन, इजीली सॉल्व हो जाएगा, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम टू फोर टू जार एट प्लस थ्री थ्री जार नाइन, फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम कंप्लीट। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो इधर है, कॉलम फर्स्ट ही है, माइनस का फोर प्लस थ्री टू जार सिक्स, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी वन अपॉन सेवन, नाइन प्लस एट सेवनटीन, और प्लस माइनस माइनस होता है सिक्स माइनस फोर टू, ठीक है, तो जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू किसकी को ला रही है, वन अपॉन सेवन से मल्टीप्लाई कर दो सेवनटीन अपॉन सेवन, और टू के साथ भी करो टू अपॉन सेवन, बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिक्स वी विल फाइंड एक्स इक्वल्स टू सेवन बाय सेवन, देखो एक्स की वैल्यू इसके साथ इक्वेट करो और वाई की वैल्यू टू अपॉन सेवन, और इस तरह से हम फाइंड करेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है अभी, लेकिन इसके लिए जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट वो कैसे फाइंड आउट करना है, इनवर्स कैसे फाइंड आउट करना है, और जो वर्किंग मेथड है इसका मैट्रिक्स मेथड का, कि सबसे पहले क्या करना है फिर क्या करना है फिर हमने कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है मैट्रिक्स मेथड का और जो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।